आज का टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ। इसमें सबसे पहले आती है व्यर्थ भूमि। इसमें राज्य में पूर्वी भाग में चंबल के विहड़ और उत्तर पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान प्रमुख हैं। देश की कुल व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में 37.30% है। राजसमंद उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से यह जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि में आता है। खरपतवार खेतों में मुख्य फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे ये भूमि की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। रेतीली बलुई मिट्टी राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह पानी शीघ्र सोख लेती है, नमी अधिक समय तक नहीं ठहर पाती है। कछारी जलोढ़ दूमड़ कांप मिट्टी यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान में यह अलवर भरतपुर धौलपुर दौसा जयपुर टोंक गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। काली रेगर मिट्टी कोटा बूंदी झालावाड़ जिलों के पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें सिंचाई द्वारा कपास की खेती की जाती है। भूरी मिट्टी अरावली के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग भूरा होता है। सिरोजम मिट्टी अरावली के पश्चिम में रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण यह धूसर मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है। लवणीय मिट्टी यह गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ बाड़मेर और जालौर जिलों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी अजमेर अलवर सिरोही उदयपुर पाली के पहाड़ी भागों में पाई जाने वाली इस मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है। इसमें केवल जंगल ही लगाए जा सकते हैं। जल व वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का कटकर बह जाना यह मुख्यतः ढालू वनस्पति विहीन व ह्यूमस वाले इलाकों में अधिक होता है।